मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लो जी, लॉन्ग डिमांड की कुछ बातें हमने स्टार्ट कर दी थी। लॉन्ग डिमांड मार्शल साहब ने बताया, क्या हमने बताई उन्होंने कि प्राइस और डिमांड इन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। हाँ, कुछ अजम्पशन है उनकी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेट्रिस पैरिस। क्या है वो अजम्पशन? वो कह रहे हैं कि देखिए, फैशन में कोई चेंज नहीं है, इनकम में कोई चेंज नहीं है, फ्यूचर में इस गुड्स की शॉर्टेज नहीं होने वाली, ये प्रेस्टीज गुड्स भी नहीं, ये रिलेटेड गुड्स भी नहीं। तो पांच छह इन्होंने अपनी तरफ से खुद ही बता दिए कि इन चीजों को छोड़ दें तो बाकी प्राइस का और डिमांड का रिलेशन कैसा होने वाला है। फिर हमने कर्व बनाया था, जब हमने कर्व बनाया था कैसा बना था? डाउनवर्ड, लेफ्ट से राइट। और ध्यान रखिए, आज के बाद पूरे कॉन्सेप्ट में काम आएगा, जब भी कभी इनवर्स रिलेशन हो हमेशा कर्व डाउनवर्ड ही बनेगा, ठीक है? जब भी रिलेशन कैसा हो, आगे और चैप्टर्स में अलग अलग कर्व पढ़ेंगे हम, इनवर्स रिलेशन है तो सेम फॉर्मेट से बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है? बात बढ़िया गया। देखिए, एक तरीका तो प्रेजेंटेशन का यही है, कर्व बना लें, है ना? पहला तरीका तो ये, इस कर्व को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्राइस, और हमें क्या चाहिए? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या होगी? घटेगी। ये डेटा प्रेजेंट करने का एक तरीका है। इस तरीके के हम कहते हैं कर्व, इसे कहते हैं शेड्यूल। ऐसे डेटा रख दिया, टेबुलर प्रेजेंटेशन, या फिर ऐसे कर्व। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, पाई चार्ट देखा होगा आपने, है ना, बार डायग्राम देखे होंगे आपने, बहुत सारे तरीके हैं, हमें दो ही पढ़ने हैं बस। पहला तरीका कौन सा था? कर्व था, इसे डिमांड कर्व बोला। ये होता है डिमांड शेड्यूल, ठीक है? कि एक रुपए पर 50 क्वांटिटी है, दो पर 40, तीन पर 30, बढ़िया, डिमांड शेड्यूल। और इसीलिए अगर आप देखें डिमांड कर्व की प्रॉपर डेफिनेशन देखें क्या आपकी, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसकी, यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन को ग्राफ पर अगर उतार दें, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल दो तरह से हो सकता है, किसी एक व्यक्ति से पूछे तो वो इंडिविजुअल, बहुत सारे लोगों से पूछे मार्केट बनाया तो दैट इज नोन एज मार्केट। तो कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल मतलब किसी एक वायर से पूछे, देखिए वही है एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 और 50, 40, 30। नेक्स्ट पेज पर देखिए मार्केट, मार्केट मतलब बहुत सारे लोगों से पूछे, अब किसी के लिए 10 रुपये सस्ता है, किसी के लिए 10 रुपये महंगा। जैसे मार्केट वाले ने देखा प्राइस 1 रुपये पर, जो 1% है वो कह रहा है 50 यूनिट खरीद सकता हूँ, बी क्या कह रहा है कि मैं तो सिर्फ 40 ही खरीद सकता हूँ, सी क्या कह रहा है मैं सिर्फ 35। 5 रुपये पर देखें, ये कह रहा है मैं तो अभी 10 खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बी कह रहा है भाई साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, इतनी हैसियत नहीं, मैं नहीं खरीद पाऊँ, और सी क्या कह रहा है 10। इनका टोटल कर दिया तो ये डिमांड कैसी कहलाती है? मार्केट। एक व्यक्ति की इंडिविजुअल, बहुत सारे व्यक्ति की डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट। बस मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करें, दो तरीके हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ। दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ। लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं एग्जाम में, अब जो पढ़ने वाले हैं यहां से खूब आते हैं क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बोलिए, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है आज, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे तो समझ में आए, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, बहुत ध्यान से देखें। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 5 और 4, क्वांटिटी 100, ठीक है? अभी किसी इंडिविजुअल की इनकम 10,000 थी, हमने पढ़ा था अगर इनकम बढ़ जाए, इनकम 20,000 हो गई, बढ़ गई, तो वो डिमांड क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा? कोई पैसा है, बार्गेनिंग कम करेगा, खरीद लाएगा, ऐसे क्यों होगा? अब दिक्कत की बात यह है, मैं यहां से स्टेटमेंट पास कर रहा हूं हिंदी में,
कि डिमांड 100 से बढ़कर 120 हो गई। क्या बोला मैं? डिमांड 100 से बढ़कर 120 हो गई। किस वजह से बढ़ी? प्राइस घटे इस वजह से या इनकम बढ़ी इस वजह से? बस ये बता दें ध्यान से। मैंने हिंदी में स्टेटमेंट पास करा कि क्वांटिटी जो है ना पहले 100 थी, अब बढ़कर 120 हो गई। अब 120 यहां भी हो रही, अब 120 यहां भी हो रही। ये किसकी वजह से हो रही? प्राइस की वजह से हो रही है या इनकम की वजह से हो रही? दोनों की वजह से हो रही। लेकिन मैं एक ही बात कर रहा हूं। क्या? फिर से सुनिए, क्वांटिटी 100 से बढ़कर, 100 से बढ़कर, 100 से बढ़कर, मैं किस 120 की बात कर रहा हूं? समझ गया आप दिक्कत? एग्जाम में छाटना पड़ेगा हमें कि प्राइस की वजह से बढ़ा या इनकम की वजह से बढ़ा। मेरे इस स्टेटमेंट से सुनकर आपको पता ही नहीं चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। हिंदी लैंग्वेज की अलग दिक्कत, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में हर बात के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है। इसमें मैंने आपको बताया था बहुत पहले भी, फिर से देखिए। एक वर्ड होता है वेजेस, एक वर्ड होता है सैलरी, एक वर्ड होता है रेमुनरेशन। तीनों का मतलब ये है कि हमने किसी को काम के बदले पैसे दिए। हिंदी में कहते हैं भाई हमने इसे पगार दे दी, बस खत्म, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में स्पेसिफिक वर्ड, कोर्स को कहते हैं परस्यू करना। कोर्स कर रहे हैं तो हम बीकॉम कर रहे हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। इंग्लिश में उसको परस्यू करना है। वेजेस, सैलरी, रेमुनरेशन, तीन अलग अलग वर्ड। तीनों का मतलब देखकर हम समझ जाएंगे। वेजेस का मतलब ये वो व्यक्ति को पैसे दिए हैं जो फिजिकल वर्क कर रहा है, दिमाग का काम नहीं कर रहा, खुदाई कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ये सब। सैलरी का मतलब ये व्यक्ति मेंटल वर्क कर रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। रेमुनरेशन का मतलब ये वो व्यक्ति है जो किसी खास पोस्ट पर भी है, दिमाग का काम भी कर रहा है, खास पोस्ट पर है। टीचर को सैलरी मिलती है, प्रिंसिपल को रेमुनरेशन। सैलरी विद ऑनर इज नोन एज रेमुनरेशन। अब यहां फंस रहे हैं, हिंदी में तो फंस जाएंगे। 100 से बढ़कर कितने हो गई? पता ही नहीं चल रहा। अब मैं आपसे गैस करो, मेरे मन में क्या है, प्राइस है या इनकम है? देखो मुझे पता है, हिंदी में बात थोड़ी जल्दी हो जाएगी, पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है ताकि पता चल सके हमारा फोकस क्या है। लॉन्ग डिमांड मार्शल साहब किस पर फोकस कर रहे हैं? प्राइस पर या इनकम पर? प्राइस। तो कह रहा हूं प्राइस की वजह से ही इनकम पर चेंज आता है। इनकम को तो उन्होंने कहा सेक्रेस कर मानकर चल रहे, इनकम में कोई चेंज नहीं। इनकम में चेंज होगा तो पक्की बात है डिमांड में फिर चेंज हो जाए। इंग्लिश में जो मार्शल साहब है वो प्राइस पर फोकस कर रहे हैं। और प्राइस वाला कौन सा है? ये वाला। इसके लिए इन्होंने वर्ड रखा एक्सपेंशन। क्या नाम रखा? एक्सपेंशन। और अदर प्राइस है ये इनकम वाला है, इसके लिए वर्ड रखा है इन्होंने इंक्रीज। क्या रखा वर्ड? दोनों का मतलब ही बढ़ना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, इंक्रीज मतलब भी बढ़ना। हिंदी में सुनकर पता ही नहीं चल पा रहा कि हम प्राइस की वजह से बढ़ रहे हैं या इनकम की वजह से बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ी है बस। इंग्लिश में स्पेसिफिक वर्ड है, अगर तो प्राइस की वजह से बढ़ी है डिमांड, क्या बोलेंगे उसे? एक्सपेंशन। अगर तो अदर देन प्राइस बढ़ा है, इनकम बढ़ गई, ये कोई और कारण, नया फैशन आ गया है ना, अगर बहुत सारी बातें पढ़ी थी हमने, फ्यूचर में इसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है, प्रेस्टीज गुड्स है, कुछ भी कारण है, प्राइस की वजह से बढ़ी तो क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन। अदर देन प्राइस बढ़ी तो क्या कहलाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। प्राइस की वजह से एक्सपेंशन का अपोजिट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का अपोजिट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिए आज के बाद, प्राइस और अदर देन प्राइस। लॉन्ग डिमांड किस पर चल रहा है? प्राइस पर। प्राइस पर, प्राइस की वजह से क्या है? बढ़ेगा तो एक्सपेंशन, घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। इनकम की वजह से बढ़ेगा तो इंक्रीज, घटेगा तो इंक्रीज। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 100 से 120 बार
अब बोलो सर क्या है, एक्सपेंशन है या इंक्रीज है? मैंने कहा एक्सपेंशन है, क्या बोलोगे? मैंने कहा नहीं, एक्सपेंशन है, इंक्रीज है। क्या हिंदी में क्या बोला मैं? क्वांटिटी 100 से बढ़कर कितनी होगी? 120, पता नहीं चल रहा, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए स्पेसिफिक वर्ड है। प्राइस की वजह से क्या? अदर देन प्राइस की वजह से क्या? ठीक है, बात बड़े आगे पेज 11 पर आइए, 1.7 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क की तरह यहां से क्वेश्चन आते हैं। वो डाउनवर्ड मूवमेंट, वही बना लीजिए कर लास्ट में भी स्पेस है पेज 11 में। मूवमेंट क्या कहलाएगा? मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट है। पढ़ा था मैंने लास्ट में, मूवमेंट कैसा है? डाउनवर्ड। पढ़िए 1.7 हेडिंग एक्सपेंशन इन डिमांड, अदर थिंग्स इक्वल व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से? डिक्रीज इन प्राइस। तो जहां ए पॉइंट हेडिंग है एक्सपेंशन इन डिमांड, वही लिखे ब्रैकेट में, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इस बढ़ने को क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। किसकी वजह से हो रहा है? प्राइस। तो कॉन्ट्रेक्शन में क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, डिमांड घटी है किसकी वजह से? कॉन्ट्रेक्शन है तो प्राइस, डिक्रीज है तो अदर देन। एग्जाम में साफ साफ लिखा होगा एक्सपेंशन या इंक्रीज, पहचान जाएगा कॉन्ट्रेक्शन या फिर डिक्रीज, साफ साफ लिखा होगा, पूछ लेगा हमसे कि भी अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड घट गई, इसे क्या कहेंगे? अदर देन प्राइस की वजह से है तो डिक्रीज कहेंगे, प्राइस की वजह से तो कॉन्ट्रेक्शन। आइए नेक्स्ट पेज पर आगे, अब देखिए 1.8 हेडिंग का लिखी है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑब्लिक शिफ्टिंग। अब ध्यान से देखिए, यहां पर पहले इनकम थी 8,000, अब इनकम है 12,000। देख रहे हैं 5 रुपए की जो प्रोडक्ट था, जब हम 8,000 कमाते थे तो कितने यूनिट खरीदते थे? 10, लेकिन जब 12,000 कमाने लगे तो कितनी खरीदी? 15। लेकिन प्राइस घटकर 4 रुपए हुए तो भी 15 हुई, लेकिन दोनों 15 का मीनिंग अलग है। क्या अलग है? अगर इनकम की वजह से जा रहा है तो इंक्रीज है, अगर प्राइस की वजह से है तो कर दिया। वहीं पर देखिए थोड़ा सा स्पेस है, वहां एक कर्व बनाइए जैसे बना रहा हूं, थोड़ी सी टेक्निकल क्लास है। अगर 8,000 इनकम है और अगर 12,000 इनकम है, ठीक है जी, 8 इनकम है तो डिमांड कम है, 12 इनकम है तो डिमांड ज्यादा है। तो मैंने कहा था एक्स एक्सिस पर क्या रखनी है और वाई एक्सिस पर क्या रखना है, याद रखना है बात।
बताइए क्या है? ये क्या था? मूवमेंट। ये क्या था? एक बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा एक पार्क में गया, उसने देखा बहुत सारे स्विंग्स लगे हैं, झूले लगे हैं, तो वो बच्चा झूले ये चला स्टेयर से डिंग 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 मूवमेंट करते हुए नीचे आ गया स्लाइडर से। उसने कहा एक बार और करना है, वो फिर से गया डिंग 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 डिंग। अब बच्चे ने कहा बहुत देर हो गया, मजा नहीं आ रहा झूले में, दूसरे झूले पर शिफ्ट हो जाता हूं, दूसरे झूले की तरफ बढ़ा, दूसरे झूले पर गया, वहां भी डिंग डिंग डिंग। एक ही झूले पर है तो क्या कर रहा है वो? मूवमेंट। एक झूले से दूसरे झूले पर गया तो क्या कहलाएंगे? शिफ्टिंग। ध्यान रखिए अदर देन प्राइस, प्राइस में क्या होता है? मूवमेंट होता है, क्योंकि एक ही डिमांड कर रहे हैं। प्राइस के अलावा जाएंगे तो क्या होगा? मूवमेंट एक पर होता है, एक से दूसरे कर्व पर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ऐसे बना लीजिए शिफ्टिंग। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर गया, आपका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है घर में, नीचे और फैमिली मेंबर्स रहते हैं, अब मूव कर रहे हैं, लेकिन अब वो घर छोड़कर दूसरे घर में जा रहा है, तो उसे शिफ्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग। तो दो तीन बातें ध्यान रखनी है एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? प्राइस अदर देन प्राइस। शिफ्टिंग किसकी वजह से होती है? प्राइस अदर देन प्राइस। मूवमेंट किसकी वजह से होती है? लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से? प्राइस। अदर देन लॉ ऑफ डिमांड प्राइस की वजह से क्या है? लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है तो अदर देन प्राइस। प्राइस में क्या होता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन। अदर देन प्राइस में क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज। एक और पहचान है लास्ट। अरे वहां एक ही कर्व बनेगा या दो दो कर्व बने? शिफ्ट कर लोगे आप, पुराना घर है उस घर से चेंज होगा दूसरे घर में, दो घर होने चाहिए ना, एक ही घर है तो मूवमेंट है। क्लास पहचान है, मान लीजिए 10 से 15 की डिमांड 50% बढ़ाना, तो इसे कहने के दो तरीके हैं। पहला तरीका 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पूरी बात बोलना है बड़ा सा, क्या बोला हमने? 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा है शॉर्ट में बोलते बस 50% चेंज इन डिमांड, वो भी ठीक है ना। पहला तरीका क्या था? बड़ा चढ़ा था राजस्थान स्टाइल, 50% चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरा यूपी वाला स्टाइल है फटा 50% चेंज इन डिमांड। चलो ध्यान रखिए, जब बड़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं इसका मतलब प्राइस की वजह से बात, और जो शॉर्ट में बात कर रहे हैं इसका मतलब अदर देन प्राइस, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो लॉन्ग डिमांड से चल रहा है और लॉन्ग डिमांड में फोकस किस बात पर है? प्राइस। देखिए नीचे एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है, अच्छा यहां पे अगर आप ध्यान से देखें फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब अगर यहां से शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा जानते हैं? क्वांटिटी बढ़ी या घटी? मान लीजिए पहले क्वांटिटी 10 थी, अब क्वांटिटी कितनी हो गई है? 20। इसका मतलब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने कहा था थोड़ी सी क्लास टेक्निकल है, अगर तो डिमांड कर शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, कहां शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। इस शिफ्टिंग का मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। रिवर्स भी हो सकता है, पहले इनकम थी 12,000, अब घटकर कितने रह गई? 8,000। ऐसा हो सकता है, यानी अगर शिफ्टिंग लेफ्ट की तरफ हो रही है, अभी तो राइट से लेफ्ट थी, सॉरी लेफ्ट से राइट थी, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। ध्यान रखना है, ऐसे याद रख लीजिए, ज्यादातर स्टूडेंट ज्यादातर लोग ज्यादातर पॉपुलेशन राइट हैंडेड होती है, ज्यादा पावर किसमें? राइट हैंडेड है, तो जब भी राइट की तरफ जाएंगे बढ़ जाएगा, और जब भी लेफ्ट की तरफ जाएंगे पावर घट जाएगा। पावर से मतलब यहाँ क्या है? क्वांटिटी से। पढ़िए ध्यान से, सारे पॉइंट हो गए हैं, क्वेश्चन करेंगे फटाफट।
ए पॉइंट बढ़ी है, इंक्रीज इन डिमांड। क्या लिखा है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स, कौन से? प्राइस या अदर देन प्राइस कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। इन दिस केस अगर डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट कहां करेंगे? डिमांड कर शिफ्ट टू द राइट। पावर है ज्यादा। डिक्रीज कैसे होगा? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। इन दिस केस डिमांड कर्व शिफ्ट टू द नीचे। अगर हम ध्यान से देखें, मैंने इन दोनों बातों को समराइज कर दिया है आपकी सहूलियत के हिसाब से। तो पहली हेडिंग है मूवमेंट, दूसरी हेडिंग है शिफ्टिंग। मूवमेंट किसकी वजह से होता है? प्राइस की वजह से। शिफ्टिंग किसकी वजह से होता है? एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है, या वहां क्या होता है? इंक्रीज। और इंक्रीज में क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट होता है राइट की तरफ। और डिक्रीज में क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो जाएगा प्राइस की वजह से, और वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। पूरी बात कैसे बोलते हैं यहाँ पर? राजस्थानी स्टाइल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। वहां क्या लिखा है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड। लास्ट सिक्स पॉइंट क्या है? वन डिमांड कर, वहां क्या लिखा है? मोर देन वन डिमांड। आइए जी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैसे आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 देखें, 14 पेज 14 क्वेश्चन 14। व्हेन डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इंक्रीज, किसकी वजह से? विद ए फॉल इन इट्स प्राइस, प्राइस घटने की वजह से डिमांड बढ़ गई, तो इसे इंक्रीज बोले एक्सपेंशन बोले? इट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन इंक्रीज। न क्या इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि प्राइस की वजह से होगा तो एक्सपेंशन है, अदर देन इनकम की वजह से होगा तो इंक्रीज। 13 देखें, मूवमेंट अलोंग द मूवमेंट है किसकी वजह से होगा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और सॉफ्टनिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मूवमेंट का मतलब न इंक्रीज होगा न डिक्रीज होगा, चेंज होगा। पूरी बात बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है तो ये किसकी वजह से? प्राइस की वजह से या अदर देन प्राइस की वजह से? प्राइस की वजह से है तो क्या होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा या चेंज इन डिमांड होगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। फोर क्वेश्चन 4, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, डिमांड घटी है किसकी वजह से? प्राइस की। प्राइस बढ़ा होगा तभी तो डिमांड घटी। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये प्राइस की बात करो ना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड कंसर्न, आपके जो प्राइस हैं वो बढ़ गए हैं आपके प्रोडक्ट के। प्राइस बढ़े होंगे तो डिमांड घटी होगी, और जब प्राइस की वजह से घटती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो सही आंसर है नहीं? बिल्कुल। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आइए वापस, क्या ऐसा हो सकता है कभी? डिमांड कर वैसे बन जाए अपवर्ड, अपवर्ड बन सकता है? हाँ जी बन सकता है ऐसे। वैसे कैसे होता है? डाउनवर्ड। मार्शल साहब ने कैसे कहा? डाउनवर्ड। लेकिन मीडिया वाले हैं, मार्शल साहब ने कहा कि ये ऐसा है वैसा है, ये सेटरिस्ट सर्विस है, लेकिन हम लोगों का काम क्या है? कमियां निकालना।
अच्छी बात अच्छी हो या ना हो, उसे बुरी बात छांटने की आदत है। तो हमें देखना है कि मार्शल साहब ने जो बात बताई है उसमें कुछ कमी पेशी है क्या, कुछ तो कमियां होंगी जो मार्शल साहब बताना भूल गए। नहीं हो सकता ऐसा, यानी मार्शल साहब ने जो बात, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाएगी। हमें ऐसी सिचुएशन ढूंढनी है कि जहां प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए और प्राइस घटने पर डिमांड घट जाए। और वो फैशन वाला भी नहीं होना चाहिए, उसको उन्होंने खुद ही बता दिया, समझ गया बात। वो इनकम वाला भी नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद बता दिया। इसके अलावा भी कुछ बचता है क्या? हाँ जी, है कोई एक आदमी आते। देखिए जैसे मार्शल साहब थे ऐसे ही एक और थे जिन्होंने बड़ी रिसर्च करी, गिफिन। इन्होंने भी बड़ी रिसर्च करी और इन्होंने बड़ी सरप्राइजिंग बात देखी। ये मजदूरों से मिले, उनका खान पान देखा, उनका स्टाइल देखा, ये किस तरह से पैसे खर्च करते हैं, प्राइस बढ़ने पर ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उन्होंने बड़ी सरप्राइजिंग बात देखी, बहुत ही अजीब बात, लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बात सच है। जो मजदूर लोग होते हैं, देखिए दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं गुड क्वालिटी, एक होते हैं खराब क्वालिटी, इंफीरियर गुड्स। खराब क्वालिटी गुड्स यानी लो क्वालिटी गुड्स, डालडा घी सुना हुआ आपने, एक देसी घी होता है। खराब क्वालिटी क्या है? डालडा घी है, मजबूरी, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं खाता, पैसा नहीं है, डाल देसी घी महंगा है, 600-700 रुपए किलो है, वो शायद 150-200 रुपए किलो आता। जब पैसा ही नहीं है तो क्या करें, मजबूरी है। तो गिविन साहब ने देखा मजदूरों से मिले, तो एक तो उन्होंने ये बात ऑब्जर्व करी कि जो मजदूर लोग हैं बेचारे ये इंफीरियर गुड्स ही खाते हैं, पैसा नहीं होता, सुपीरियर गुड्स खरीदने के लिए ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मजेदार बात देखी, ये तो चलो कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है कि गरीब आदमी होगा तो लो क्वालिटी गुड्स खरीदेगा और अमीर आदमी होगा तो लग्जरी गुड्स, अच्छी क्वालिटी गुड्स खरीदेगा। उन्होंने ये बात देखी कि जब जब, हाँ बेटा, हाँ जान लो, मतलब कितनी अजीब रिसर्च करी है लोगों ने और हमारी समझ से बाहर आएगा। कोई जनरल पर्सन से पूछे वो कहेगा तो बेकार बात है, जबकि सच है। अभी बात पढ़ने वाले देखें, पहले डायग्राम आई पेज 13 पर, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने कहा था ना कोई भी चीज साले से जमीन पर गिर जाती है, कैसे का कोई एक्सेप्शन है? यस स्पेस है, मतलब आपको इस बात को काटना है, दैट इज नोन एज एक्सेप्शन। मार्शल साहब की बातों के अगेंस्ट जाकर बात बोल रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जो पीछे पड़ा उसके अगेंस्ट, पहले क्या पढ़ा हमने? डाउनवर्ड। अब क्या पढ़ेंगे हम? बना लीजिए, वहां डाउनवर्ड था, यहां क्या है? अपवर्ड। वहां लेफ्ट टू राइट था, यहां क्या होगा? क्या होगा ये कहते है, यहां भी लेफ्ट टू राइट ही, देख लो ना, लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहा है। डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो जाएगा कैसे? लेफ्ट टू राइट, बस वहां डाउनवर्ड था, यहां कैसा है? अपवर्ड। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, लेफ्ट टू राइट। कितने बच्चे आज ब्रेकफास्ट नहीं कर कराए? आप सब लोगों के लिए पार्टी का अरेंजमेंट है अमित सर की तरफ से, ठीक है? जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं कर कराए हैं, जो कर कराए हैं चलो वो भी चाहते हैं, तो बस उनसे मांग लेना कि सब मेरा पार्टी देनी पड़ेगी, बस ये कह देना, काम हो जाएगा आपका, ठीक है? पूछ लेना आप आएंगे, मेरे पार्टी चाहिए, बस क्लास अभी हो गया, पार्टी के लिए क्लास मत करने देना, ठीक है? अपवर्ड, लेफ्ट टू। देखिए बड़ी सरप्राइजिंग रिसर्च करी इन्होंने, गिफिन साहब ने, ये मजदूरों से मिले और इन्होंने देखिए क्या ऑब्जर्व करा, बहुत खास बात।
और ये इतने फेमस हो गए, खराब क्वालिटी गुड्स को गिविन गुड्स भी कहने लगे लोग। खराब क्वालिटी गुड्स का नाम क्या हो गया? गिविन गुड्स। गांव में आप जाइए, टूथपेस्ट को कोलगेट कहते हैं। तो दुकानदार से दिए कोलगेट दे दिए, कहे कौन सी कंपनी का? अरे पेप्सोडेंट। कह रहे अच्छे। सर ये भी कंपनी का नाम है कि सर देना भैया कौन सा दें? कौन सा दें? टाइड दे दो, ले लो। अरे सर पे खुद कंपनी है, वो डिटर्जेंट पाउडर होता है। तो कुछ बातें इतनी फेमस हो गई, ऐसी इंफीरियर गुड्स, खराब क्वालिटी गुड्स हैं। डालना भी गिवन गुड्स है, इंफीरियर गुड्स भी है, क्वालिटी इंफीरियर गुड्स है, लेकिन इतना फेमस हुई रिसर्च, पूरी दुनिया ने कहा यार ये तो हमने आज तक सोचा ही ना। तो इंफीरियर गुड्स को, खराब क्वालिटी गुड्स को आजकल क्या बोल देते हैं? गिवन गुड्स भी कह देते हैं। आप सर्च करेंगे गिवन गुड्स मतलब इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स मतलब इतना फेमस हुई रिसर्च। और देखा है मजदूर क्या करते हैं, मुझे किसी मजदूर ने आज 400 रुपए कमाए, क्या करता हुआ पैसे? है जी मूवी देखने जाएगा, पहला ऑप्शन। सारे दारू को लेकर दारू पिला देने का मतलब इन्हें पीता हुआ देखना ही बर्दाश्त, दारू पीता होगा। सारे दारू तो पीते हैं, मतलब जिन्हें तुम जानते हो सो पीते हैं। ये 400 रुपए इनका बेसिक नेसेसिटी यही है भैया, घर का खाने पीने का खर्चा निकल जाए, खान पान पूरा हो जाए, दैट्स ऑल बस। इन्हें और इसके अलावा मतलब कितना खराब है सिचुएशन, तो कोई इंसान इसलिए जीवित है बस खा सके शाम को, अगले दिन फिर उठेगा फिर मेहनत करेगा फिर खाएगा फिर, मतलब यही सब जीवन भर चल रहा है। ना पढ़ने से मतलब, ना घूमने से मतलब, ना किसी चीज से मतलब, बस एक ही काम है। सुबह आप देखोगे फेस्टिवल पर बेचारे मजदूर सड़क बनाते मिलेंगे, घर बनाते मिलेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं, आज होली है दिवाली, कोई बेचारों को फर्क ही नहीं, उनका जीवन बस ऐसे चल रहा है। तो 400 रुपये कमाए इसमें, और 300 रुपये के लिए मसाला ले गए घर में, कहा ना 10-10 रुपये का ले जाते हैं, और आटा ले गए खरीद कर, थोड़ा सा तेल ले गए खरीद कर, घी ले गए खरीद कर, इस तरीके से 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल इनके पास अभी बच रहे हैं, और ये 100 रुपीज के ले गए बच्चों के लिए फ्रूट्स। ऐसे करते हैं लोग। अब क्या हुआ, आटे के रेट बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो डालना भी है उसके रेट बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डालडा के रेट क्या हो गए, कमाई थोड़ी बढ़ी है, कमाई तो आदमी कितनी है। अब पता चला इसके 360 रुपए यहाँ खर्च हुए, कितने पैसे बचे? अबे मजदूर कह रहे हैं 40 रुपए का क्या फ्रूट्स क्या देसी घी खरीदे, छोड़ो इस 40 रुपए से भी यही बेसिक नेसेसिटी का सामान और खरीदे, यानी ये वाला क्या कर दिया उसने, यानी जिस प्रोडक्ट के रेट बढ़े हैं उससे तो नाराज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही सरप्राइजिंग बात है कि इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसी रिसर्च है जो कि सही है। बाद में बहुत लोगों ने चैलेंज करा, जाकर मिले कह रहे यार तो बात तो सही है आपकी, तो लोग ऐसे करते हैं। खराब क्वालिटी गुड्स की जब जब प्राइस बढ़ते हैं उनका बजट गड़बड़ा जाता है बेचारों का, तो वो जो पैसे बचे हुए थे जिससे अच्छा प्रोडक्ट खरीदते थे वो खरीदना बंद कर देते हैं, और उस पैसे से भी जो इंफीरियर गुड्स खरीद रहे थे उसे ज्यादा खरीद रहे थे। यानी यहाँ ऐसा देखा गया है जब जब प्राइस बढ़ते हैं तब तब उल्टा डिमांड बढ़ जाती है इंफीरियर गुड्स। हाँ जी हाँ हाँ, ये लो आज तो कुछ है नहीं, 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 नहीं आज तो पूरी गाड़ी खतरे में, क्या हो गया नीचे से वो विजिट वाले की इनकी गाड़ी है, वो जरा विजिट सर की नाम भी जानते हैं, विजिट सर की गाड़ी तो नाम ही जानते हैं। हाँ जी पढ़िए गिफिन गुड्स क्या लिखा है वहाँ पर, ई पॉइंट गिफिन गुड्स ब्रैकेट में लिखा है इंफीरियर गुड्स हैविंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। गिफिन एंड इकोनॉमिस्ट बहुत सरप्राइज्ड
बड़ा आश्चर्यचकित हो रही बात देखकर, टू फाइंड आउट दैट एज द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज, रोटी आटा, द वर्कर परचेज मोर ब्रेड एंड नेट नॉट लेस ऑफ इट, दिस वॉज समथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड, गिवन वॉज गिवन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेड एंड मीट। इसने जो ओरिजिनल रिसर्च करी थी, मतलब इसने देखा, ये विदेशी लोग ऐसे रिसर्च करते हैं, मीट को तो इसने कहा ये अच्छा गुड्स है, हाई क्वालिटी गुड्स है, और आटे को कहा इसने ये लो क्वालिटी गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है। तो जब आटे के रेट बढ़े तो लोगों ने मीट को खरीदना कम कर दिया और आटे की डिमांड ज्यादा। ये ओरिजिनल रिसर्च थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, ओरिजिनल रिसर्च किन गुड्स पर करी थी, ब्रेड एंड मीट पर, बाकी एग्जाम्पल हम किसी भी इंफीरियर गुड्स पर लगा सकते हैं। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन कौन से गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का नाम क्या है, गिफ्ट गुड्स, जिसका नाम क्या है इंफीरियर गुड्स। गिफ्ट गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसे बनता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। और भाई इसके अलावा देखिए, महंगा सस्ता, कोई चीज महंगी हो रही है ये तभी तो है अगर आपको कल के रेट पता है, समझे आप समझ क्या हुआ, हाँ है ना, समझा हाँ है ना, मैंने कहा समझा, अब समझा हाँ है ना, समझे हो नहीं समझे हो, क्या समझो मैं, हाँ अच्छा समझ, इसका मतलब अभी हाँ है और इसका मतलब ना भी है, हाँ हाँ है ना ना है, हाँ ना भी हो सकती है और ना हाँ भी हो सकती है। तो पढ़ेंगे सीए फाइनल में, कोर्स में हमारे, हाँ ये सीए फाइनल में है, वहां पर ये बड़ी दिक्कत है लॉ के पेपर में, कभी यस को रो पढ़ेंगे, यस यस भी है और नो भी है, नो नो भी है, यस भी हो सकता है, यस यस तो है ही, नो नो है। देखिए मान लीजिए आप एक मोबाइल खरीद रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ी साइकोलॉजिकल बात, और आपको बताया गया ये फोन ना 30,000 रुपए का, आप वहां गए और किसी वजह से गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, और आप गए दुकानदार ने कहा भाई 30,000 का तो कल तक था, नए रेट आ गए 40,000 का है, है? 30 का सुना था, सुना था कल, अब रात को नहीं बढ़ा जीएसटी के लिए बढ़ेगा, अभी 40,000 का इससे कम नहीं, शायद नहीं खरीदोगे साइकोलॉजिकल तो रेट महंगा हो गया, इंतजार करते हैं हो सकता है कल को जीएसटी के रेट घट जाए, आपको पता ही नहीं, आप अखबार वाला पढ़ता है, मोबाइल खरीदेंगे जितने का भी वो खरीद लाए, कितने का बोल जितने का 40,000 में, ये महंगा सस्ता कब होता है, जब आपको पुराने रेट पता हो, आपको पता ही पुराने रेट, इग्नोर इफेक्ट, इग्नोर इफेक्ट का मतलब हमें पता ही नहीं ये चीज सस्ती हुई है महंगी हुई है, अरे जब महंगी हुई पता ही नहीं मुझे तो मैं नाराज कैसे होऊंगा, मैं नाराज कब होऊंगा, अगर मुझे पता चला ये महंगा हो गया प्रोडक्ट, इग्नोर इफेक्ट। जनरली इट इज एज्यूम दैट हाउस होल्ड हैज परफेक्ट नॉलेज, देखिए पूरे इकोनॉमी से मानकर चलते हैं कि जो बायर है कंज्यूमर है उसे सब चीजें पता है, जो शॉपिंग के लिए जाता है उसे सब चीजों के रेट पता है, कितने में खरीद के लाना है, कौन सा शॉपकीपर चालू है, कौन सा सब चीज पता है, ऐसा मान कर सकते हैं, बट स्टिल प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रियलिटी का पता ही नहीं, आप जानते हैं राहुल गांधी जैसे होते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता, तो गए पता ही नहीं उन्हें क्या है, तो खरीद लें अपना प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो दो हमने एक्सेप्शन छाटे हैं, देखिए एक उन्होंने बता दिया था मार्शल साहब ने कि भाई फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होने वाली है, इसका अपोजिट चलते हैं, गोल्ड के रेट देखिए आप, गोल्ड की क्या फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, ऐसी तो बात है नहीं, खूब गोल्ड है दुनिया भर, हिंदुस्तान से ज्यादा, फिर ये कह रहा है हाँ है ना है, दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड तो हमारे देश में, अब फ्यूचर में शॉर्टेज तो नहीं है ऐसी, खूब है खूब गोल्ड की खदानें, माइंड से खूब गोल्ड निकल रहा है, दिक्कत की बात, लेकिन 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 ध्यान रखें, अगर आप पुराना पैटर्न देखें हिस्ट्री का, जब जब इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस होती है, देखिए गोल्ड एक करेंसी की तरह है, इंटरनेशनल करेंसी है गोल्ड, आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, आपके पास वहां की लोकल करेंसी है लेकिन जेब में गोल्ड है,
किसी भी डीलर को बेचकर वहां की लोकल करेंसी मिल जाए। ये गोल्ड की खासियत है, गोल्ड एक इंटरनेशनल करेंसी है, दुनिया के किसी कोने में भी जाइए हैंड टू हैंड कैश मिल जाएगा, कहीं भी चले जाइए, कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं जो गोल्ड ना बेचाता हो। इंटरनेशनल करेंसी है, इसीलिए जब जब वॉर की स्थिति आती है, आप अगर ऑब्जर्व पुराना डेटा देखें, आप इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस आती है तो लोग क्या करते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड अपने पास रखते हैं। यार कल को कोई दिक्कत होगी, वॉर होगा, कहीं दूसरे देश भागना पड़े, शहर छोड़ना पड़े, कोई बात है तो गोल्ड लो फटाफट, एक ईंट बनाओ उसकी गोल्ड की, लेकर चले जाओ कहीं, कई करोड़ रुपए की ईंट आएगी वहां जाकर बेच दो उसको, कोई और सामान है तो बड़ी दिक्कत आएगी लेना। अब ये इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस चल रही है, आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वाला, कोरोना है, कभी कुछ है, मतलब, और न्यूज वाला देख लो तो आपको लगेगा दुनिया कल ही खत्म होने वाली है, सी एल ए कर कर क्या ही करेंगे, कल तक तो बच नहीं है, उधर से चाइना परमाणु बम फेंक रहा है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, सब कुछ, बस 24 घंटे नहीं होते हमारे पास, हम मरने वाले, न्यूज चैनल देख लो यही होता है। गोल्ड के रेट आप देख रहे हैं ना, अक्षय तृतीया है कल, अक्षय तृतीया फेस्टिवल, इस दिन गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, ऐसा ज्वेलर्स ने अफवाह फैला रखी है। आज का अखबार देखे हर पेज पर ऐड है, हर ज्वेलर का ऐड है, जिसने जीवन में ऐड नहीं दिया उस ज्वेलर का भी ऐड है। गोल्ड वालों की दुकानें देखना कल, आप दिवाली पर इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कल मिलेगी, आप खूब से लोग ही बहन कर रहा है, ये ऐसी अफवाह फैला दी उन्होंने, इस दिन गोल्ड खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है, ये सब ज्वेलर्स ने फैला दिया। गोल्ड अगर आप देखें क्या है, इंटरनेशनल लोग गोल्ड दो वजह से खरीद लेते हैं, इंटरनेशनल करेंसी से, दूसरा शौक भी पूरा जाएगा, जल्दी खरीद लो और रेट बढ़ रहे हैं, ये कैसा प्रोडक्ट है देख रहे हैं आप, इतनी शानदार बात है इस प्रोडक्ट की, आपने फर्नीचर खरीदा शौक पूरा हो गया, पैसे भी तो डूब गए, जीरो जाएगा पैसा दो तीन साल, पुराना फर्नीचर जीरो वैल्यू है, गोल्ड खरीद तो शौक भी पूरा हो रहे हैं, गोल्ड इसलिए लोग खरीद रहे खूब गोल्ड। अगर किसी और गोल्ड के बारे में भविष्यवाणी है कि इसके रेट बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे 1 kg, बढ़ ही रहे हैं मतलब हर साल, पिछले साल तक 20% बढ़ गए, शेयर मार्केट बढ़े ना बढ़े इसके रेट बढ़ रहे हैं, मतलब गोल्ड अगर एक शेयर होता तो इससे बेहतर रिटर्न नहीं आए, बढ़ी बढ़ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं है इसका जनाब का, भाग रहा है दर 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 दर। और हमारी वजह से, इंडियंस की वजह से, पूरी दुनिया में कहीं सोने की खपत है तो फायदा नहीं, शुभ मानते ना, शुभ है, घर में पार्ले जी होना हो गोल्ड के बिस्किट जरूर है, गोल्ड से बड़ा लगाव है हिंदुस्तान को, सब गोल्ड। मार्शल साहब ने कहा कि अगर किसी गुड्स के फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है, हम कह रहे नहीं ये तो है ही, मार्शल साहब ने बात भूल गए, अगर फ्यूचर में किसी गुड्स के रेट बढ़ने वाले हैं तो भी आज लोगों को सस्ता लगने लगता है, गोल्ड के रेट अभी 50 लाख रुपए 1 kg रहे एक महीने पहले, अब 60 लाख रुपए 1 kg है एक महीने बाद, तो कह रहे हैं सस्ता भाई खरीद लो, ये 1 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए 1 किलो के हो जाएंगे, महंगा है फिर भी सस्ता है, तेरा है पर मेरा है, महंगा है पर सस्ता है, 50 लाख से 60 लाख हो गया, लोग कह रहे अभी तो सस्ता भाई खरीदो, अक्षय तृतीया में खरीदेंगे अगले साल और बढ़ जाएगा, तो गिफ्ट गुड्स इग्नोर इफेक्ट, और फ्यूचर में अगर किसी प्रोडक्ट के रेट बढ़ने वाले हैं ऐसा हमें लग रहा है, ऐसी परीक्षा है, ऐसे केस में भी हमने देखा है कि प्राइस भी महंगे होते जा रहे हैं और डिमांड भी क्या है उसकी बढ़ती जा रही है, उसी पर होगा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ठीक है, देखिए कुछ चीज ऐसी हैं
जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए। सोचिए इनकमिंग कॉल्स, एक जमाना था इनकमिंग कॉल्स पर भी पैसे लगते थे, कितने रुपए? 16 रुपीज। किसी ने गलत फोन मिला दिया, हाँ भाई साहब रामलाल है क्या? आपने कहा कौन रामलाल? कर भाई साहब गलती हुई, टक उसके 20 रुपए डूब गए, हमारे 16 रुपए चले गए। गलती उसी की है भाई, तेरी गलती, तेरे तो 20 हो गए, हमारी क्या खबर, 16 रुपए हमारे चले गए। धीरे 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 सस्ता हुआ, अब तो मंथली रिचार्ज करा दो, बस करो भाई साहब क्या है। सोचिए ये रिचार्ज की आदत पड़ गया, मेरा इंटरनेट के काम चल सकता है क्यों? तुम्हारे क्या काम अटक रहे हैं? तुम्हारे कौन से काम अटक रहे हैं इंटरनेट के बिना? कौन से बिजनेस कर रहे हो तुम? नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम इंटरनेट का, आईसीए के लिए ध्यान नहीं आते तुम? ये एक ऐसी लत लग गई है पूरी दुनिया को, जो आपके लिए अच्छी खबर है, दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में। अमरीका में बहुत महंगा है, बहुत महंगा, हमारे यहाँ इंटरनेट दुनिया का सबसे सस्ता है, गुज्जू भाई की वजह से। मतलब गुज्जू भाई मानी ये लाए थे सबसे पहले। अब सुनिए आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो, धीरे धीरे रेट बढ़ा रहे हैं, अभी कैसे बढ़ा देते हैं, एयरटेल वाले इसकी बात की थी यार बढ़ा दो, मैं चलो बढ़ा 100 रुपये बढ़ा देते हैं, 84 डेज 90 डेज उसको बढ़ा देते हैं, 600 रुपये 700 800 रुपये बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई, उसके रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन यूज़र लगातार बढ़ रहे हैं। तब भी देखा आपने ऑब्जर्व करी, ये क्या कह रहे हैं ये मास्टर साहब कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, लेकिन सब पर एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कटवा दें क्या फिर? अरे इसके बिना तो गुजारा नहीं है ना, जब होता होगा पूर्वजों का होता होगा नहीं। बड़े खेलना कर दो, ये चूड़ी उड़ी पहनना छोड़ दो, कहाँ चक्कर में लग गए हम, गोलियां कलाइयां ला दी मुझे, पढ़ दो पढ़ने में आप लगाओ बह जाते हैं बच्चे, होता है सही से अक्सर हो जाता है। तो कुछ बातें कुछ चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा है, उसके रेट बढ़ने पर भी ठीक है हमें दुख होता है, लेकिन हम आदत में दूर है क्या करें, वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, लगातार यूजर बढ़ ही नहीं घट नहीं है, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज होते हैं। बी पॉइंट, सम गुड्स ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट यूसेज हैज बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इवन इफ द प्राइस ऑफ टीवी रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा हैज बीन कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, देयर डिमांड डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू, किसी भी तरह की कोई डिमांड में गिरावट, इंटरनेट लिख सकता है एग्जाम्पल, इंटरनेट यूज, इंटरनेट के प्राइस भी लगातार बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है बढ़ रहा है फिर भी डिमांड कोई कम नहीं हो रही। देखिए कुछ लोगों की मेंटेलिटी है कि जितना प्रोडक्ट महंगा होगा उतना अच्छा होगा, पर पहले 20 साल पहले 25 साल पहले 36 साल पहले एक डिटर्जेंट पाउडर आता था निर्मा, उसकी नाम निर्मा, ये इतना फेमस था, मतलब घर सबके यहाँ यही होता, इसके मालिक ने बहुत मेहनत करी, आप इसकी स्टोरी पढ़े बड़ी शानदार स्टोरी, साइकिल से घर घर बेचने जाते थे और फिर सब खरीदने, जया स्मिता ललिता सब खरीदने, ऐसा ऐड आया था। यू वॉन्ट बिलीव
इसका पैकेज सिर्फ 10 रुपए का, 10 या 20 रुपए पर केजी। तभी एक और कंपनी का ऐड आया सर्फ एक्सेल, ये कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो मैक्सिमम। उसने उसका रेट आया 300 रुपीज, 20 रुपए सीधा 300 रुपए चुटकी में, सिंदूर नहीं। इसने नया कैंपेन लगाया और देखिए, मैंने कहा सोसाइटी में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जिनका मानना है जो महंगा है वही अच्छा। और धीरे 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 उसकी सेल्स भी चलने लगी। तो एक तो ग्रिफिन गुड्स है, ग्रिफिन साहब ने किस चीज पर रिसर्च करी? सस्ती चीजों पर। एक वेबलिन गुड्स है, वेबलिन इन्होंने भी रिसर्च करी है, इन्होंने देखा जो महंगी चीजें हैं उसमें भी ऐसा ही है। जैसे डायमंड का एग्जाम्पल लिया था मैं लास्ट टाइम, ऐसी महंगी चीजें जब और महंगी हो जाती हैं तो जो शौके लोग खरीदते हैं तो कहते हैं अब है मजा इसका, अब सेल्फी खींच डाले सोशल मीडिया पर, अभी तो मजा है सेल्फी डाल सकते फोटो खींचेंगे इसके साथ। तो दोनों तरह के गुड्स कवर कर लिए हमने, गिफ्टेड गुड्स कौन से थे, इंफीरियर गुड्स, और जो महंगे गुड्स हैं वो कौन से हैं, वेबलैंड गुड्स, नो गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स। सम कंज्यूमर थिंक इफ कमोडिटीज एक्सपेंसिव, कुछ लोग सोचते हैं अगर ये महंगा है तो क्या होगा, दैट इट हैज गॉट मोर यूटिलिटी, इससे ज्यादा फायदे हैं, दैट इज दे मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, दे बाय लेस ऑफ ए गुड एट लो प्राइस एंड मोर ऑफ इट, ये तो एक्सेप्शन है, ज्यादा कब खरीदेंगे वो एंड हायर प्राइस, ठीक है। तो ये 5 चीजें हमने ऐसी पढ़ी हैं जो विपिन साहब बताना भूल गए। लॉजिकली 5 चीजें भी कहा नहीं चाहिए, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल सेक्टरिस पेरिवर्स वहां नहीं चाहिए, लेकिन वो भूल गए, इसलिए हमने उसकी कमी निकाली और इसका नाम क्या रख दिया हेडिंग का, हमने हेडिंग का नाम क्या रखा हमने, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ। तो आज 3 बातें पढ़ी हैं, पहली शेड्यूल क्या है, शेड्यूल कुछ नहीं है, टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम शेड्यूल कहते हैं। दूसरा बात हमने नाम पढ़ा, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन प्राइस की वजह से, इंक्रीज डिक्रीज अदर देन, और तीसरा हमने पढ़ा कि जो मार्शल साहब हैं उनकी बात में कुछ कमी पेशी है क्या, यस, उस कमी पेशी का नाम क्या रखा हमने, एक्सेप्शन ऑफ ऑल। एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिमांड कहते किसे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि डिमांड क्या है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे इसी, ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।